कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी के गाजियाबाद स्थित आवासीय प्लॉट पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कानपुर पुलिस से गाजियाबाद पहुंची। यहां विधायक इरफान सोलंकी का मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में 300 वर्ग मीटर का एक प्लॉट है। पुलिस ने यहां नोटिस चस्पा कर उसको जब्त कर लिया है। पहले ही गैंगस्टर के मामले में जेल में बंद इरफान सोलंकी की आवासीय योजना में प्लॉट को जब्त करने के बाद विधायक की परेशानी बढ़ गई है। एक सौ छप्पन बटा 22 धारा 31 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना जाजमऊ कानपुर नगर में अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना थाना फीलखाना से मेरे द्वारा की जा रही है। 14 वन गैंगस्टर के तहत जो भी उनकी चल अचल संपत्तियां अवैध संपत्तियां हैं उन्हें चिन्हित कर उन्हें राज्य सरकार के पक्ष में न्यायालय पुलिस आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में सरकार के पक्ष में हितबद्ध किया जा रहा है।